नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ओवर डिजिटल न्यूज़ MDN पे। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, GTL इंफ्रा में आज वापस रिवर्सल नज़र आया है, पर दोस्तों कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी को लेकर कहीं ना कहीं नेगेटिव अपडेट देखने को फिर से नज़र आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों जिस प्रकार कम जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन की जो डेट थी वो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे पोस्टपोन कर दी है, और साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अब स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी में और भी ज़्यादा जो देरी है वो नज़र आ सकती है। रीज़न क्या होगा फिलहाल टोटल एनालिसिस के साथ बताने वाला हूँ। फिलहाल इस स्टॉक की प्राइस पर अगर बात की जाए तो 1.55 रुपये की प्राइस पर रहने वाली है। अब दोस्तों सीधे डिस्कशन अगर करते हैं तो दोस्तों वो चीज़ अभी के लिए बात की जाए कि भारतीय बाजार का रिवर्सल नज़र आ चुका है। अब दोस्तों पिछले टाइम जो उतार चढ़ाव भी काफ़ी नज़र आए थे, क्योंकि दोस्तों GTL इन्फ्रा पर अगर बात की जाए तो दोस्तों GTL इन्फ्रा के जो इन्वेस्टर थे वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी के लिए और साथ ही साथ दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए दोस्तों वो कहीं ना कहीं आस लगा के बैठे थे, और BSNL के लिए। तो दोस्तों BSNL का जो टेंडर है वो तो ऑलरेडी इशू हो चुका है दोस्तों BSNL की तरफ से, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों जो है BSNL का दोस्तों जो फाइनल जो टेंडर ये हुआ है कि दोस्तों 2024 के अंत तक के दोस्तों टोटल इंडिया में दोस्तों 4G नेटवर्क को सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च करना, अगर दोस्तों 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने का जो डेटा है वो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो 2024 के अंत तक अगर यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी टाटा कम्युनिकेशन से और BSNL को अगर ये लगता है कि 2024 के अंत तक अगर नेटवर्क उपलब्ध कराने में असक्षमता हो सकती है तो इस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों और कंपनियों की सहायता ली जा सकती है, और समय पर दोस्तों प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने की जो है कवायद कंटिन्यूसली नज़र आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों BSNL का देखने को मिल रहा है। अगला जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है दोस्तों स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी पर, तो दोस्तों जिस प्रकार मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एनालिसिस पर बताया था कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी को जो डेट है वो ऑलरेडी बदल दी गई है, आगे बढ़ा दी गई है। पर इस बीच दोस्तों GTL इन्फ्रा को दोस्तों जो उम्मीद थी शेयर होल्डर्स को कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी 6 जून को होगी, उसमें कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी जो है जो एक बार फिर से जो उम्मीद है वो लंबे वक्त के लिए नज़र आ रही है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्टॉक की प्राइस दोस्तों एक पेनी स्टॉक के रूप में, एक चिल्लर पेनी स्टॉक के रूप में आती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्टॉक पर दोस्तों यहाँ पर अगर पैसा लगाया जाए तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर देखा जाए तो पेशेंस वाली रह सकती है, और कहीं ना कहीं दोस्तों पैनिक वाली सिचुएशन भी नज़र आने वाली है। क्योंकि दोस्तों पेशेंस अगर यहाँ पे बात की जाए तो कंपनी को प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों एक स्पेनिश स्टॉक अच्छा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ उसमें देखने को लगातार जो प्रॉफिट नजर आए थे वो लंबे वक्त के लिए अगर देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में आगे चलकर बड़ा विकास होने वाला है, तो इस वजह से कंपनी का फ्यूचर ब्राइट जाएगा। पर कंपनी के ऊपर दोस्तों जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी कि कर्ज जो है वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, 3900 करोड़ के आसपास से प्राइस दोस्तों एक चिल्लर पेनी स्टॉक के रूप में नज़र आ रही है, जो 1.55 से 1.60 रुपये के आसपास मिल रही है, उसमें ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक लो प्राइस पे दोस्तों एक पेनी स्टॉक अच्छा मिल जाएगा। पर कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चलकर कंपनी के ऊपर दोस्तों कर्ज का दबाव मिल रहा है, पर कंपनी को दोस्तों प्रोजेक्ट आगे इस वजह से भी मिलेंगे क्योंकि दोस्तों 26,000 से लेकर 28,000 के बीच कंपनी के पास दोस्तों अभी तक जो टावर है वो 22 सर्कलों में वो अवेलेबल है, मौजूद है, तो इस वजह से कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। पर कहीं ना कहीं कंपनी जितना कर्ज तेज़ी से कम करेगी उतना शेयर होल्डर्स के लिए भी फायदेमंद रहेगा, और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि आज की इंट्राडे पर ये हम अगर नज़र डालें तो दोस्तों 575 लाख की आज की वॉल्यूम नज़र आई थी, पर बायर्स जो है वापस नजर आ रहे हैं, शेयर होल्डर्स बायबैक वापस कर रहे हैं, तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ट्रेड की आज की वैल्यू कर अगर अब चर्चा करें तो 9.25 करोड़ की वैल्यू नज़र आने वाली है, पर भारतीय बाजारों का जो रिवर्सल है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। पर दोस्तों स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी को लेकर कहीं ना कहीं ये अपडेट भी निकल गया है कि जिस प्रकार सरकार को दोस्तों जो है इस चीज़ से काफ़ी जो है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी दोस्तों स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी के लिए जो वीक अपडेट नज़र आ रही है वो ये देखने को मिल रहा है कि दोस्तों जिस प्रकार स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी को लेकर जो डेट में पोस्टपोन यहाँ पर हुआ है, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं आगे चलकर दोस्तों जो है कंपनियां जो टेलीकॉम कंपनियां थी वो अभी के लिए कहीं ना कहीं अपना जो फंड है वापस निकालती हुई नज़र आ सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अगर इसी प्रकार डेट अगर पोस्टपोन होती है तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं वीक डेटा नज़र आ सकता है और शेयर होल्डर्स के लिए समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पर अभी दोस्तों आज के इंट्राडे की डिलीवरी पर अगर डिस्कशन अगर हम करते हैं तो आज की डिलीवरी में दोस्तों आज का कारोबार जो नज़र आया लगभग 5 करोड़ शेयर को आज का इंट्राडे में कारोबार नज़र आया है टोटल इन मार्केट के अंदर, जिसमें से 3 करोड़ 86 लाख 90 हज़ार 830 शेयर दोस्तों
होल्डिंग पर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट किसी भी टर्म के लिए हम मान सकते हैं लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म। तो इन तीनों टर्मों के लिए दोस्तों आज जो होल्डिंग लगी है वो 77.48% के डिलीवरी शेयर होल्डर्स ने होल्डिंग पर रखी है। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉजिटिव जा सकता है। तो इस प्रकार आगे चलकर दोस्तों इस पेनी स्टॉक का, एक चिल्लर पेनी स्टॉक की प्राइस वापस इंक्रीज होने के चांसेस नज़र आ सकते हैं। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।